तो हेलो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो जनरली रेडमी के ये जो फ़ोन है इसमें जो है बहुत सारे साउंड से रिलेटेड समस्या देखने को मिलता है। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी नोट 7S है, बट ये जो है रेडमी के और भी जो फ़ोन्स आते हैं अदर मॉडल के उसमें भी ये काम करेगा। तो रेडमी नोट 7S है ये फ़ोन। तो चलिए इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपका अगर किसी भी तरह से साउंड का अगर इशू आ रहा है तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा, सेटिंग्स पे जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कॉल के लिए एक स्लाइडर दिया गया है जिसको आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं साउंड को। फिर अलार्म देख दिया गया है, अलार्म के साउंड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट में। अदरवाइज अलार्म के लिए तो अलार्म सेक्शन में भी इसका सेटिंग्स है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल। जब कॉल अगर आएगा तो ऑटोमेटिक वाइब्रेट करना चाहिए। आप ऐसा सेट अगर करना चाहते हैं तो इस टॉगल को जस्ट ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी जो है कॉल अगर आता है तो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और फिर वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, जब आप कॉल को साइलेंट अगर कर दिए हैं तो उस समय वाइब्रेट करना चाहिए। ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप टैप कुछ भी इस पर क्लिक करते हैं या फिर टैप करते हैं तो उस केस में जो है वो वाइब्रेट करना चाहिए। अगर ऐसा सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको वाइब्रेट ऑन टैप यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और इसको जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं कि लाइट मीडियम स्ट्रॉन्ग, मतलब वाइब्रेट होगा तो थोड़ा सा वाइब्रेट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे है साइलेंट। साइलेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी आप मीटिंग में हैं अगर आप अपने फ़ोन को साइलेंट अगर करना चाहते हैं तो उसे साइलेंट ऑफ साइलेंट कर सकते हैं। तो एक होता है साइलेंट कॉल एंड नोटिफिकेशन विल बी साइलेंट, ठीक है, कॉल और नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाएगा। और DND अगर आप कर देते हैं तो साइलेंस साउंड एंड टर्न ऑफ वाइब्रेशन एक्सपेक्ट फॉर द अलार्म देन। अभी यहाँ समझने की बात है, अगर आप यहाँ पे केवल साइलेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो है वो साइलेंट तो हो जाएगा बट वो जो है फिर भी वो वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वो सेटिंग्स आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग कर देते हैं साइलेंट करने के बाद कि वाइब्रेट ऑन साइलेंट, तो साइलेंट करने के बाद वो वाइब्रेट करेगा। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन आता है वो DND, DND का फुल फॉर्म होता है डू नॉट डिस्टर्ब। तो डू नॉट डिस्टर्ब में क्या होगा कि साइलेंट तो होगा उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप DND भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर कॉल शेड्यूल टर्न ऑन टाइम, मतलब किस पार्टिकुलर टाइम में आप साइलेंट करना चाहते हैं वो भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। सपोज दैट आपका ऑफिस का टाइम है या फिर किसी मीटिंग का टाइम है तो उस टाइम के उस केवल उसी टाइम पीरियड में आप जो है इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर पाएंगे, यानी कि साइलेंट कर पाएंगे। बाकी दिन आपका कॉल आएगा बट उस समय उस पार्टिकुलर टाइम में जिस टाइम में आप साइलेंट करना चाहते हैं वो साइलेंट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आप ऐड कर सकते हैं, नया टाइम को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हैं, इसको जो है एवरी डे इतना बजे से इतना बजे तक ये सब सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।